दैट कंसिस्टेंसी इज अ मैटर। हर एक चीज में याद रखो, कुछ भी अगर आपको करना है यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। लोगों के लिए छुट्टी होगी, तुम्हारे लिए नहीं। अगर आपको कुछ पाना है तो ये कहना बंद करो कि इतने में इतना ही मिलेगा। बहुत लोगों का क्या होता है, छुट्टियां या जो गवर्नमेंट जॉब वाले, देखो जनरली कैसे होता है, मतलब ऐसी मेंटेलिटी बोला जाता है। आजकल तो गवर्नमेंट जॉब वाले भी काफी अच्छे हो गए, जॉब में भी उनका मन नहीं लगता था और बाद में तो उनका बोले ठीक है गवर्नमेंट जॉब आराम से सोते रहो। लेकिन कभी देखा किसी पैशनेट बंदे को जो प्राइवेट काम करता है, अपना खुद का बिजनेस चलाता है, उसके लिए कोई छुट्टी नहीं होती। उसको एक बात पता होती है कि मेरा काम है और मुझे इसको करना है। दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं कहता हूं ऐसा शुद्धत के साथ आप अपना फ्यूचर बनने जा रहे हो और एग्जाम आपको देना है। आप लोग याद रखो इसी एग्जाम को देने से आपका फ्यूचर बनेगा, आपका भविष्य बनेगा, आपको आगे एडमिशन मिलेगा, आपको नीट का एग्जाम भी देना है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फ्यूचर। और अगर आपको लगता है कि तुम्हारे फ्यूचर की बात है, इन दैट केस यू हैव टू फोकस ऑन द थिंग्स व्हिच इज गोइंग ऑन राइट अवे। कभी आपके अगर मन कर रहा है ना सोने का तो अपने आप को समझाओ कि भैया ऐसा है सो गया तो खो गया। खोना नहीं है, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन दैट केस यू हैव टू फोकस ऑन द कंसिस्टेंसी। रेगुलरिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आपको किसी भी वे आप सक्सेसफुल होना है तो